तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीबीसी कार्ड के बारे में। अगर दोस्तों आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है और उसको आप पीबीसी कार्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, तो इस तरीके का एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट के बाद आपको किस तरीके से इसमें जो है आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को एडिट करके इसमें सेट करना है, इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चाहे तो आप इसमें आपका दुकान पर इस तरीके का काम करके आपका एक एक कार्ड के हिसाब से 50 या 60 या 70 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं कस्टमर को, इस तरीके का कार्ड बना के दे सकते हैं आप भी। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है, इस तरीके का फॉर्मेट को लेने के लिए मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का नीचे में, वहां पे जाके आप इस तरीके के फॉर्मेट को मास्टर कॉपी को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसमें फोटोशॉप में ओपन करेंगे सिंपली, और ओपन हो जाने के बाद इसको सिंपली जो प्रोसेस है किस तरीके का सर्टिफिकेट आप लोग बनाएंगे, इसके लिए मैं पूरा वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके का एक A4 शीट के जैसे साइज में इसको आपको दिखाई देगा, जो कि बड़ा वाला जो साइज है इसमें है। तो इसको जो है हम लोग एडिट करेंगे और उसमें जो है पीबीसी कार्ड के फॉर्मेट में जो है डालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसको फाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको एडिट बटन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर जाके टेक के स्नैपशीट पर जाके क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जाके क्लिक करके आपको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ से क्लिक करके छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद आपको फोटोशॉप में जाना है एंड इसका जो पहला वाला पेज है यहाँ पे आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, कंट्रोल वी करके जो है आपको पेस्ट कर देना है। तो आपका सारा सिंपली पूरा जो डिटेल्स है यहाँ पे कट के आ जाएगा। आ जाने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल टी दबाना है। दबाने के बाद इसको पूरा पेज में आपको फाइल सेट करना है। सेट करने के लिए आपको यहाँ से क्लिक करके इसको खींचेंगे तो आपको पूरा इसका साइज के हिसाब से आ जाएगा। तो इसको आपको जो है आपके अनुसार जो है कार्ड के अनुसार जो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सेट कर देना है। तो सेटिंग आपको जो है आपका हिसाब से कर लेना है। किस तरीके से करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से कंट्रोल टी दबाएंगे फिर से, तो इसके बाद जो है आपको यहाँ पे छोटा सा यह इस तरीके से लेंगे यहाँ से एंड यहाँ को इसको जो है आपको एरो दिख रहा होगा आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरीके का सिंबल के साथ आपको क्लिक करके जो है इसको पूरा फॉर्मेट को जो है कर लेना है। इसको आप देख रहेंगे कहीं पे डीप है जो लेटर है और कहीं पे जो है थोड़ा डीप नहीं है। तो इसको आप कैसे डीप करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्शन टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल एल दबाना है। दबाने के बाद आपको जो यहाँ पर ये बीज वाला जो मेजरमेंट का है इसको आपको यहाँ पे खींच देना है। तो आपका जो लेटर है बहुत ही डार्क दिखाई देगा और आपका जो प्रिंट आउट भी अच्छे से होगा। इसके बाद जो यहाँ पर भी मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद कंट्रोल एल दबाऊँगा। एल दबाने के बाद फिर से जो ये लेटर जो है थोड़ा धुंधला धुंधला है इसको थोड़ा बोल्ड करेंगे ताकि इसका जो मेरा प्रिंट आउट अच्छे से आए। तो इतना ठीक है, इतना तक सेट कर दूंगा। कर देने के बाद आपको कंट्रोल डी दबाना है तो सिलेक्शन हट जाएगा। उसके बाद जो है आपको थोड़ा लेटर जो है गैप जो है इस गैप को जो है कम करना है। कम करने के लिए जो आपको सिंपली यहाँ पर सिलेक्शन टूल्स पर ही रहना है। उसके बाद पूरा का पूरा जो सेट है पूरा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी दबाएंगे एंड टी दबाने के बाद जो है आपको यहाँ पे सिंपली खींच देना है इस तरीके से एरो को मदद से माउस को पॉइंट को ले जाके। उसके बाद एंटर दबाएंगे एंड कंट्रोल डी दबाएंगे तो सिलेक्शन हट जाएगा। और इसका भी जो है यहाँ पे भी सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल टी दबाएंगे एंड यहाँ पे जो एरो दिख रहा है यहाँ पे माउस क्लिक करके आपको यहाँ पे थोड़ा नज़दीक लाना है लेटर को। उसके बाद जो है आपको एंटर दबाएंगे एंड कंट्रोल डी दबा के यहाँ आपका जो सिलेक्शन है हट जाएगा पूरा। तो इतना सा मेरा काम हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्यूआर कोड लगाएंगे। तो क्यूआर कोड के लगाने के लिए हम लोग फिर से जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे जो क्यूआर कोड है इसको भी हम लोग कॉपी करेंगे। उसके लिए आपको एडिट बटन पे जाना है, टेक के स्नैपशीट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेक्शन करेंगे हम लोग। सिलेक्शन हो जाने के बाद यहाँ पर ओके दबाएंगे एंड फोटोशॉप में फिर से आएंगे। आने के बाद जो है आपको यहाँ पर कंट्रोल भी दबाना है ताकि ये पेस्ट हो जाएगा क्यूआर कोड। और क्यूआर कोड को आपको सही से दबा लगाना है, एडजस्ट करना है। तो यहाँ इसके लिए आप लोग कंट्रोल टी दबाएंगे। टी दबाने के बाद जो है आपको यहाँ पे छोटा करना है एंड यहाँ पे जाके आपको छोड़ देना है। सिंपली यहाँ पे आपको रख देना है
क्यूआर कोड को एंड एंटर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा जो पूरा फ्रंट पेज है, सामने का पेज आपका जो है तैयार हो चुका है, बिल्कुल आधार कार्ड के जैसे आपको दिखाई देगा, पूरा डिटेल्स वगैरह शो करेगा। अभी करेंगे बैक पेज, इसका बैक पेज किस तरीके से आप लोग करेंगे इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे इस तरीके का फॉर्मेट जो कि ब्लैंक है, ये पेज आपको मिल जाएगा, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से यहाँ डाउनलोड कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे बैक पेज को बनाएंगे, तो सबसे पहले जाएंगे आपको जो सर्टिफिकेट का जो जहाँ से है यहाँ पे आप लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए सेम वही तरीका है, टेक स्नैपशीट पे जाएंगे एंड वैक्सीनेशन डिटेल्स पे जाके पूरा का पूरा आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो करने के बाद यहाँ पे जाएंगे एंड जाने के बाद कंट्रोल भी दबाएंगे। दबाने के बाद आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो कर जाएगा। अभी इसको पूरा जो कार्ड है इसमें जो है आप लोग एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के लिए लेटर पे रहने के लिए कंट्रोल और टी दबाएंगे तो पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो इसको खींच के जो है आपको माउस के पॉइंट के मदद से और यहाँ से जो आपको पूरा का पूरा डिटेल्स जो दिख रहा होगा पूरा कार्ड में जो है भर देना है इस तरीके से एंड एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद आपको इस तरीके का होगा। अभी लेटर को थोड़ा जो गैप दिख रहा है गैप को हम लोग नज़दीक लाएंगे। नज़दीक लाने के लिए आपको यहाँ पे जाना है सिलेक्शन टूल्स पे, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग सिलेक्शन करेंगे इसका लेटर का। सिलेक्शन कर जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है तो लेटर को हम लोग बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल एल दबाएंगे। एल दबाने के बाद इस तरीके का एक पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पे जो बीज वाला जो आपको दिख रहा है इसको थोड़ा यहाँ पे खिसका देंगे तो यहाँ ये थोड़ा डीप आ जाएगा। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद कंट्रोल टी दबाएंगे। कंट्रोल टी दबाने के बाद आपको ये एरो की मदद से इसको थोड़ा नज़दीक लाना है एंड इसको जो थोड़ा नीचे कर देना है बस। अभी एंटर बटन दबाएंगे एंड कंट्रोल डी दबा के इसका सिलेक्शन हट जाएगा। तो बैक पेज आपका तैयार हो चुका है और फ्रंट पेज भी आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी हो जाने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा लेयर वन टू एंड बैकग्राउंड, तो सारा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किस तरीके से करेंगे ना, कंट्रोल कीबोर्ड का कंट्रोल दबा के आपको माउस का पॉइंट जाके तीनों को सिलेक्ट करना है। इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मर्ज लेयर करेंगे तो पूरा लेयर जो एक मर्ज होके एक ही फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ इसको भी सेम करना है, कंट्रोल दबा के यहाँ पे माउस क्लिक करेंगे दोनों को एंड यहाँ पे मर्ज लेयर पे क्लिक कर देंगे तो पूरा मर्ज हो जाएगा आपका लेटर। इसके बाद जो है आप इसको प्रिंट आउट देंगे। प्रिंट आउट किस तरीके से देंगे ना, एक न्यू पेज आपको ओपन करना है, फाइल में जाएंगे, न्यू जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको इंटरनल पेपर पे जाना है एंड A4 साइज में आपको सिलेक्ट करना है। आप चाहे तो PVC कार्ड में भी कर सकते हैं, दोनों का सेम ही प्रोसेस है। आपको A4 साइज सिलेक्ट करना है, ओके बटन पे क्लिक कर देना है। अभी आपका जो साइज है इसको जो है आपको यहाँ पे माउस पॉइंट को दबा के आपको इस पेज पे लेके जाना है। तो इस तरीके से लेके जाएंगे एंड यहाँ पे आपको साइज वगैरह कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे साइज बिल्कुल ऑटोमेटिक दे चुका हूँ, पूरा साइज रेडी होए आपका ID कार्ड के जैसे साइज जो होता है, दोनों का दोनों साइज बिल्कुल प्रॉपर रेडी है। आपको यहाँ पे जाना है, दोनों को सिंपल को यहाँ पे रखना है। आप चाहे तो इसको रोटेट करके भी इसको जो इस तरीके से भी प्रिंट आउट दे सकते हैं। अभी दोनों पेज को अभी इसको भी मैं रोटेट कर दूँगा एंड रोटेट हो गया है। अभी दोनों पीस मेरा पास पेज ओपन होके आ गया है। अभी सिंपली जाऊँगा फाइल पे एंड यहाँ पे जाऊँगा प्रिंट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे दिख रहा होगा कंट्रोल पी एंड कंट्रोल पी में जाके आपको यहाँ पे प्रिंट आउट कर देना है। प्रिंट आउट के लिए प्रिंटर सेटिंग पे जाना है। प्रिंटर सेटिंग में जाने के बाद आपको A4 सेलेक्ट करना है एंड प्रॉपर्टीज हाईली ग्लोसी पेपर हाई एंड कलर पे से जाके सिलेक्ट कर देना है एंड आपको यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका प्रिंट आउट होके आ जाएगा प्रिंटर से। और इसको काट के जो है आप PVC कार्ड के जैसे बना के, आपका ID कार्ड को जैसे बना के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को कस्टमर को दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।